अस्सलाम वालेकुम। सो द लेक्चर नंबर 15 ऑफ द सीरीज इज़ रिलेटेड टू पल्स शेपिंग। सो द सी एल ओज विच वी आर कवरिंग हेयर इज सी एल ओ 1 एंड सी एल ओ 2 एंड इट इज़ प्रेजेंट इन सेक्शन 7.2 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सो द कंटेंट्स विच वी विल बी कवरिंग इन दिस चैप्टर इन दिस लेक्चर इज रिलेटेड टू पल्स शेपिंग। वी विल हैव लुक एट नाइक्विस्ट क्राइटेरिया फॉर पल्स शेपिंग, then we will study it for zero ISI and for partial ISI. अच्छा, आप देखें जी, हम पल्स शेपिंग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन पल्स शेपिंग सबसे पहले तो आपको यू नीड टू नो दैट इट इज़ बेसिकली रिक्वायर्ड टू कंट्रोल इंटर सिंबल इंटरफेरेंस विच इज़ ऑल्सो नोन एज ISI. नाउ द प्रॉब्लम नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ ISI एंड हाउ डज ISI कम्स। तो सो द फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट वी आर एज्यूमिंग दैट वी हैव डिजिटल पल्सेज एज रेक्टेंगुलर पल्सेज है, वी हैव अ रेक्टेंगुलर पल्स लाइक दिस एंड वी ऑल्सो नो दैट चैनल्स हैव लिमिटेड बैंडविड्थ. Our channels or transmission mediums are not band unlimited, they have some finite bandwidth. Now when we have to transmit pulses through these channels, then these transmitted pulses tend to spread during transmission through channel. अभी जो pulses होती हैं ये spread हो जाती हैं इन channels के ऊपर. अब this pulse spreading or pulse dispersion causes overlap of pulses into adjacent time slots. अब जब आपकी pulses spread हो रही होती हैं तो उसकी वजह से आप एडजस्टमेंट पल्सेस के साथ ओवरलैप आपका स्टार्ट हो जाता है. सच सिग्नल ओवरलैप में रिजल्ट इन एन एरर एट द रिसीवर. अब इस तरह का जो सिग्नल ओवरलैप है इट कैन रिजल्ट इन एन एरर. दिस फिनोमिना ऑफ पल्स ओवरलैप एंड रिजल्टेंट डिफिकल्टी ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन सिंबल्स एट द रिसीवर इज टर्म्ड एज इंटर सिंबल इंटरफेरेंस. अगर आप इस एग्जांपल को देखें, इस फिगर को देखें, देन हेयर वी हैव पल्सेस 1011. यहाँ पे 1 में आपके पास ऑन हो गई पल्स, 0 में ऑफ होगी, देन अगेन 11 ऑन होगी. व्हेन दिस डिजिटल पल्स विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू बैंड लिमिटेड चैनल, तो अब ये बैंड लिमिटेड चैनल क्या करेगा, इसको स्प्रेड आउट कर देगा और ये पल्स जो बेसिकली रेक्टेंगुलर फॉर्म में है ये एज इट इज रिसीवर पे नहीं जाएगी, बल्कि इसका एक स्प्रेडेड वर्जन जो है वो रिसीवर साइड पे पहुंचेगा. लेकिन समटाइम्स ये स्प्रेडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपकी दो एडजस्टेंट पल्सेज जो है उनका ओवरलैप स्टार्ट हो जाता है एंड दिस ओवरलैप ऑफ एडजस्टेंट पल्सेज इज नोन एज इंटर सिंबल इंटरफेरेंस एंड बिकॉज ऑफ दिस ISI एट द रिसीवर साइड वी आर नॉट एबल टू discriminate different symbols and we are not able to extract our information. अब आप ये देखें कि here we have rect which is basically our pulse. So the Fourier transform of this rect is sync function. अब यहाँ से आपको ये चीज़ पता चलती है कि अगर आपका सिग्नल टाइम डोमेन में लिमिटेड हो, लिमिटेड ड्यूरेशन का हो, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उस वो इनफाइनाइट इन ड्यूरेशन होगा. अब अगर ये इनफाइनाइट जो सिंक है ये जब एक बैंड लिमिटेड चैनल, बैंड लिमिटेड चैनल मतलब ऐसा चैनल जिसकी बैंडविड्थ जो है वो लिमिटेड है, अब जब ये सिग्नल इस बैंड लिमिटेड चैनल में से पास करेगा तो ऑब्वियसली इसके जो सिंक्स हैं, जो एचेज हैं, वो कट हो जाएंगे और आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये सिग्नल मिल जाएगा. अब यहाँ से ये चीज़ नोट करने की ये है कि बेसिकली आप अपने फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो सिग्नल है उसको एक तरह से कट कर रहे हैं, जिसकी वजह से टाइम डोमेन में जो आपका सिग्नल होगा वो एक्सपैंड हो जाएगा. बिकॉज वी नो कि टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन ये दे बोथ आर डुअल इन नेचर. अगर आपका सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन में इनफाइनाइट होता है तो टाइम डोमेन में वो फाइनाइट होता है. मतलब ये जितना फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसके एजेस जो हैं वो लूजली लूज होंगे, टाइम डोमेन में उस सिग्नल वो उतना ही शार्प एजेस के साथ होगा. तो अब अगर आपने यहाँ पे सिग्नल को कट कर दिया है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में बेसिकली यू आर लिमिटाइजिंग योर सिग्नल. एज अ रिजल्ट इन टाइम डोमेन इट विल हैव इनवर्स इफेक्ट एंड योर रेक्ट और योर पल्स विल बी स्प्रेडेड लाइक दिस. सो वी आर बेसिकली कटिंग सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन ड्यू टू लिमिटेड बैंड सिग्नल, लिमिटेड बैंड लिमिटेड सिग्नल. हियर द सिग्नल से चैनल इज बैंड लिमिटेड, सो इन टाइम डोमेन सिग्नल एक्सपैंड, और जिसकी वजह से इस बैंड लिमिटेड चैनल की वजह से फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल कट हो जाता है, तो उसका इनवर्स इफेक्ट ये होता है कि टाइम डोमेन में सिग्नल जो है वो एक्सपैंड हो जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप सिग्नल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं.
Now, one way to control ISI is to shape the pulses properly. This method is known as पल्स शेपिंग. अब इस आई एस आई को ओवरकम करने के लिए जो कि आपकी पल्सेस की स्प्रेडिंग से आ रही हैं, हम पल्स शेपिंग यूज़ करते हैं. टू एलिमिनेट आई एस आई, नाइक्विस्ट प्रपोज थ्री डिफरेंट क्राइटेरियाज फॉर पल्स शेपिंग. बेसिकली हमने तीन डिफरेंट किस्म की पल्सेस यूज़ करनी है. बिकॉज नाउ इंस्टेड ऑफ यूजिंग रेक्ट पल्स, वी विल बी यूजिंग थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेज. द फर्स्ट पल्स इज सिंक पल्स, एंड दिस सिंक पल्स shaping is used for Nyquist criteria for zero ISI. Nyquist proposed that choose a pulse shape that has non-zero amplitude at its center, दैट इज़ टी इज इक्वल टू ज़ीरो. मतलब आपने एक ऐसी पल्स लेनी है जो टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे उसका नॉन ज़ीरो एम्पलीट्यूड हो, और उसके अलावा इट हैज़ ज़ीरो एम्पलीट्यूड्स एट टी इज इक्वल टू प्लस माइनस एन टी बी. मतलब उसके अलावा सारे एम्पलीट्यूड जो हैं, सारी क्रॉसिंग्स ज़ीरो हों, लेकिन टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे सिग्नल एग्जिस्ट करें. अब अगर आपकी ये रेक्ट पल्स है तो ये आपकी सिंक शेप पल्स आ जाएगी. तो अगर आप इसी तरह से, अगर आपके पास टाइम डोमेन में सिंक आएगा तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपके पास जो सिग्नल आएगा वो रेक्ट होगा और वो शार्पली बाउंड होगा. मतलब अगर आपने टाइम डोमेन में सिंक पल्स ले लेंगे जो कि लूजली बाउंड है, जो कि एक्सपैंड कर रही है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपके पास उसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो एक रेक्ट पल्स होगी जो कि शार्पली बाउंड होगी. So the minimum bandwidth happens if sync pulse is used, and this minimum bandwidth is RB by 2. Sync pulse in time is band limited and hence ISI is not introduced by band limited channel. However, here we also have to face some difficulty, and the first one is timing precision is very important. So any error in timing of sampling can result in ISI, that is sampling should be at dB, 2 dB. So if we have wrong sampling points because of timing error, then our sync pulses will start overlapping in such a way that at t is equal to 0 we are not getting maximum amplitude and all our zero crossings will be disturbed. So in timing precision is very important in sync pulse shaping, but at the same time it is very difficult to achieve such precision in timing. So to overcome this problem, another pulse shape was introduced, which is raised cosine pulse shaping. If we reduce the amplitude of side lobes and make main lobe narrower, then ISI that comes because of timing error can be reduced. अब आपने raised cosine pulse use कर रहे हैं, और ये pulse आपने कैसे design की? कि हमने ये assume किया, हमने ये कहा कि अगर हम इस एम्पलीट्यूड जो है साइड लोब्स का वो कम करते जाएं और मेन लोब को नैरोअर कर दें, बिकॉज अब हम एक ऐसी पल्स ले रहे हैं जो कि सिंक की तरह इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए मूव नहीं कर रही, बल्कि उसके जो साइड लोब्स हैं वो बहुत कम है, तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन में ही ख़त्म हो जाएगी, और उसके अलावा जो उसका मेन लोब है वो उसको हमने नैरो कर दिया. तो ऐसी पल्स शेप को हमने इसके अंदर रिप्रेजेंट कर लिया सिंक आर बी टी कॉस पाई अल्फ़ा आर बी टी बी और वन माइनस फोर अल्फ़ा स्क्वायर आर बी स्क्वायर इंटू टी बी स्क्वायर. तो हमने बेसिकली, अगर ये जो ब्लैक है ये आप शो कर रहे हैं कि ये आपने बेसिकली, अब आप नैरो करते जा रहे हो अपने पल्स को, तो ये चीज़ आपने मतलब इस तरीके से रेस को साइन जो है उसको अचीव कर लिया कि आपने मेन लोब को नैरो कर दिया है और साइड लोब्स को का एम्पलीट्यूड बहुत कम कर दिया, जिसकी वजह से आपने रेस को साइन पल्स जो है उसको अचीव किया. अब यहाँ पे हेयर वी हैव एन इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ रोल ऑफ फैक्टर. इट डिसाइड्स हाउ मच नैरोअर अ पल्स कैन बी, मीन्स आपकी जो मेन लोब है कितनी नैरोअर होगी. इट is basically depending on this role of factor. Its value is from 0 to 1. So if alpha is 1, then we have very narrow pulse. It means timing error is high. And if alpha, if we are moving alpha close to 0, then we have little broader pulse, but the timing error are less as compared with alpha is equal to 1.
तो अब आप ये देखिए, ब्लैक में हमारे पास रेड पल्स है, उसकी जो आप देखें जो उसकी वर्थ थी वो -RB/2 से RB/2 थी। अब अगर हम अल्फ़ा को बहुत ज़्यादा ब्रॉड करते जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1+α(RB/2, मतलब ये 1+ रोल ऑफ फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपकी जो वर्थ है वो वाइड होती जा रही है। लेकिन अगर हम आप इसको 1 -α(RB/2 कर देंगे तो हमारी रेक्ट की वर्थ जो है वो और कम हो जाएगी, मतलब हम यहाँ पे रेक्ट जो है उसकी वर्थ नैरो कर रहे हैं मेन लोब की, और इस रेड में हम उसकी वर्थ जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं। तो बैंडविड्थ ऑफ रेज कोसाइन पल्स इज 1+α(RB/2/2, मतलब ये आप मैक्सिमम अल्फा की वैल्यू 1+α(RB/2 ले सकते हैं। अब अगर अल्फा की वैल्यू 0 होगी तो आपके पास बैंडविड्थ मिनिमम होगी एंड यू विल गेट RB/2। अब अल्फा की वैल्यू अगर 1 होगी तो बैंडविड्थ आपकी मैक्सिमम आ जाएगी विच इज़ RB। सो इफ वी आर इंक्रीजिंग बैंडविड्थ, मतलब अगर आप अल्फा जो है उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं, अल्फा इंक्रीज करने का मतलब ये है कि बैंडविड्थ आपकी, मतलब आपकी जो मेन लोब है वो नैरो होता जा रहा है, उसकी वजह से आपकी ISI कम हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अब बैंडविड्थ जो है वो ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि अल्फ़ा को ज़्यादा करने का मतलब है कि आपकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। अब अगर आप अल्फ़ा को कम करेंगे ISI जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी बिकॉज टाइमिंग एरर्स आर मोर, बट द गुड पॉइंट इज़ वी रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ। सो सर एक्सेस बैंडविड्थ वी आर यूजिंग हेयर इज, ये दिस इज एक्सेस बैंडविड्थ विच इज़ 1+α(RB/2), मतलब अगर आप ये देखें तो दिस वॉज RB/2 एंड दिस इज 1+α(RB/2), दिस इज़ द मैक्सिमम बैंडविड्थ और द एक्सेस बैंडविड्थ विच यू आर गेटिंग। सो हेयर वी हैव एक्सेस बैंडविड्थ RB, इफ़ वी ओपन दिस ब्रैकेट देन वी हैव RB/2+α(RB/2, एंड अगर आप ये देखो RB/2, ये तो सिंक पल्स में भी आपके पास यही बैंडविड्थ थी, लेकिन जो एक्सेस बैंडविड्थ, जो एक्स्ट्रा बैंडविड्थ आपके पास आ रही है यहाँ पे, दैट इज़ α(RB/2। सो द परसेंटेज ऑफ एक्सेस बैंडविड्थ इज α(RB/2/RB/2×100, सो इट वुड बी α×100। सो नाउ वी कैन सी कि 50% एक्सेस बैंडविड्थ मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 0.5। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं विच इज़ डू बाइनरी एनकोडिंग एंड डिकोडिंग एंड इज़ बेसिकली यूज फॉर पार्शियल ISI। ऑल्दो ISI इज़ एन अनडिजायरेबल फिनोमेना विच डिग्रेड्स द सिस्टम परफॉर्मेंस, नो डाउट ISI इज़ अ मेजर प्रॉब्लम एंड वी वॉन्ट टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। हाउ एवर इफ यू एड दिस ISI इन ट्रांसमिटेड सिग्नल इन अ कंट्रोल्ड मैनर, वी कैन इम्प्रूव द बिट रेट ऑफ 2 bit/s इन अ चैनल ऑफ बैंडविड्थ बीटा हर्ट्ज़, मतलब अगर आप ये ISI इसको अवॉइड करने के लिए हम इसको इसी ISI को अपने ट्रांसमिटेड सिग्नल में ऐड कर देते हैं, देन वी कैन इम्प्रूव द बिट रेट। सच स्कीम्स आर नोन एज कोरेलेटिव कोडिंग एंड दीज स्कीम्स आर डिज़ाइन बेस्ड ऑन द थॉट दैट ISI इंट्रोड्यूस्ड इन ट्रांसमिटेड सिग्नल इज ऑलरेडी नोन एंड दस इट्स अफेक्ट कैन बी कंपनसेटेड एट द रिसीवर। सो वी आर बेसिकली इंट्रोड्यूसिंग ISI इन आवर ट्रांसमिटेड सिग्नल एंड देन वी अज्यूम दैट वी ऑलरेडी नो ISI एट द रिसीवर, सो वी कैन कंपनसेट इट एट द रिसीवर। अब हम देख लेते हैं कि डू बाइनरी एनकोडिंग कैसे काम करती है। तो डू बाइनरी एनकोडर, आउटपुट ऑफ दिस एनकोडर कैन बी कैलकुलेटेड विद दिस फार्मूला विच इज़ CK इज इक्वल टू BK+BK-1। सो इफ़ वी हैव इनपुट डाटा 0010110, सो BK क्या हो जाएगा, 0 को आप शो कर दो -1 के साथ और 1 को शो कर दो 1 के साथ, मतलब ये आपने एम्पलीट्यूड्स असाइन कर लिए हैं। अब BK-1 क्या कि आपने एक एक दफ़ा शिफ्ट दे देना, अब जब इस -1 को शिफ्ट दोगे तो ये इस स्लॉट में चला जाएगा, ये -1 इस स्लॉट में चला जाएगा, इस तरीके से शिफ्ट दिया और ये जो लास्ट वाला -1 था ये फर्स्ट स्लॉट में आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे फार्मूला के अकॉर्डिंगली BK और BK-1 को आपने ऐड कर लेना, ये आपके पास -2 -2 0 0 0 2 0 आ जाएगा, तो और आपकी वेव फॉर्म इस तरीके से आ जाएगी, दिस इज़ -2 -2 -2 0 0 0 एंड देन +2 एंड 0। अब अगर हम डिकोडिंग की बात करें तो डिकोडिंग के लिए यू हैव टू रिमेंबर दिस रूल दैट व्हेन यू हैव +2 देन द आउट
output bit is 0, and if you have minus 2 then the output bit is 0, and if you have 0 then the output bit is complement of प्रीवियस डाटा बिट. मतलब अगर माइनस टू आ गया तो आपने कहना है कि आपकी ज़ीरो बिट है, ज़ीरो आ गया माइनस टू आ गया तो बिट ज़ीरो हो जाएगी. अगर ज़ीरो आ जाएगा तो आपने क्या करना है कि आपकी बिट क्या बनेगी, जो प्रीवियस बिट का कॉम्प्लीमेंट होगी. ज़ीरो से पहले कौन सी बिट आ रही है, यहाँ पे ज़ीरो है, तो ज़ीरो का जब आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे उसका नेगेटिव लेंगे वन आ जाएगा. यहाँ पे ज़ीरो है तो अब यहाँ पे कौन सी बिट आएगी, पिछली बिट का कॉम्प्लीमेंट. मतलब अगर पहले वन आ गया तो आपके पास ज़ीरो आ गया, अब यहाँ पे अगेन ज़ीरो आ गया तो आपने बिट का कॉम्प्लीमेंट लेना है. यहाँ पे आपके पास ज़ीरो है तो ये वन आ जाएगा, अब प्लस टू है तो आपके पास आउटपुट बिट इज़ वन, और उसके बाद अगेन ज़ीरो है तो आपकी प्रीवियस बिट का कॉम्प्लीमेंट होगी. इन दिस वे वी कैन परफॉर्म डू बाइनरी एनकोडिंग एंड डिकोडिंग. ओके, नाउ सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस एज योर होमवर्क. सो दिस इज़ फॉर पल्स शेपिंग. थैंक यू.